हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो दे विच तुहाडे नाल जिहड़ी पोएम है आपां ओह डिस्कस करांगे जिसका नाम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। तुहानू चंगी तरह पंजाबी दे विच समझाउण दी कोशिश करांगे कि इस पोएम दे विच है की। देखो, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज बाय विलियम शेक्सपीयर, यह जिहड़ी पोएम है विलियम शेक्सपीयर द्वारा लिखी गई है। सब तो पहला देखो, फस्ट पॉइंट पढ़ो, This poem is taken from William Shakespeare's play As You Like It। William Shakespeare दा एक प्ले है जिसका नाम है As You Like It। और जेड़ी अपनी ये पोएम है All the World's a Stage, ये पोएम इस प्ले दे विच्चों लई गई है। अगला पॉइंट, This poem is a speech by Jacques, name of the character। जेड़ा अपना ये प्ले है As You Like It William Shakespeare दा, इस प्ले दे विच एक करैक्टर है, उस करैक्टर का नाम है जैकस। हुण जिहड़ी अपनी ये पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज, ये पोएम की है, इस प्ले दे विच जिहड़ा जैकस नाम का करैक्टर है उसने एक स्पीच दित्ती सी ह्यूमन लाइफ दे उपर, अपनी जिहड़ी जिंदगी है कि शुरू तो लैके एंड तक किन्ना किन्ना स्टेजस दे विच गुजरदी है, आपां किन्ना किन्ना पड़ावां दे विच गुजर के लंघदे आ, उस दे उपर जैकस ने एक स्पीच दित्ती सी इस प्ले दे विच। और जिहड़ी इह स्पीच है जैकस दी, उसनू ही इस पोएम दा नाम दिता गया ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। मतलब कि इस पोएम दे विच इह जिहड़ा करैक्टर है एज यू लाइक इट दे विच उसदी इह की है स्पीच है, उसनू अलग तो एक पोएम दा रूप दे दिता गया। अगे देखो, इन दिस पोएम जैकस डिस्क्राइब्स द ह्यूमन लाइफ एज अ स्टेज। देखो, इस पोएम दे विच जिहड़ा जैकस नाम दा करैक्टर है वह जिहड़ी जिंदगी है उसनू डिस्क्राइब करता है एज अ स्टेज, मतलब कि जिहड़ी अपनी इंसानां दी जिंदगी है उसनू जैकस ने एक स्टेज दी तरह दस्सिया कि एक स्टेज है, रंगमंच है, एक नाटक है, आपां जिहड़े इस धरती दे उपर आउने आ अपना रोल है जिहड़ा वह करदे आ, स्टेज दे उपर रोल निभाउने आ और उत्थों चले जांदे आ। वेयर मैन, देखो अगे, वेयर मैन एंड वीमेन प्लेज देयर रोल्स एज एन एक्टर एंड एक्ट्रैस, मतलब जेडे आपां मर्द औरतां वह आपां इस धरती दे उपर आउने आ, इस जिंदगी नू मतलब इस जिंदगी जो जन्म लैने आपां इंसानी रूप दे विच, एक स्टेज है ये जिहड़ी दुनिया है, आपां इत्थे आके अपना अपना रोल है जिहड़ा वह करदे आ और इस दुनिया तो चले जाने, आपां सारे एक्टरां एक एक्टर की तरह कहिंदा आपां रोल है जिहड़ा वह निभाउने आ। हुण जैकस ने की कीता है, जिहड़ी अपनी ये इंसानां दी जिंदगी है जन्म तो लैके मौत तक उसनू सत्त स्टेजस दे विच वंडिया, सत्त पड़ावां दे विच उसने इस अपनी जिंदगी नू डिवाइड कीता है, वह जिहड़े सत्त पड़ा ने उही आपां नू इस पोइम दे विच दसे गए ने। सो तुसी सिर्फ याद फिलहाल इस पोइम दे बारे इंट्रो इस पोइम दी यह याद रखनी है, जिहड़ी ये पोइम है ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज विलियम शेक्सपीयर दा एक प्ले है एज यू लाइक इट, उस दे विचों लई गई है। उस प्ले दे विच एक करैक्टर है जैकस जो कि एक स्पीच दिंदा ह्यूमन लाइफ दे उपर, अपनी जिंदगी दे उपर, वह जिहड़ी उसकी स्पीच है उसे नू इस पोइम का नाम दिता गया। हुण इस पोइम दे विच उसने अपनी जिहड़ी जिंदगी है इंसानां दी सत्त भागां दे विच उसनू डिवाइड किया है कि आपां सारे जिन्ने भी इंसान आ आपां एक्टर या एक्ट्रैस आपां उसका रोल अदा करदे आ और अलग अलग स्टेजां दे विचों जिंदगी दे विचों आपां गुजरदे आ। वह जिहड़ियां सत्त स्टेजां ने वह किहड़ियां ने, देखो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सब तो पहला उसने जिहड़ी सब तो पहली स्टेज है अपनी जिंदगी दी वो केड़ी है, एज अ बेबी इन द आर्म्स ऑफ अ नर्स, जदों आपां मतलब एज अ बेबी आर्म्स ऑफ नर्स, मतलब कि जदों आपां हॉस्पिटल दे विच जन्म लैंदे आ नर्स दीआं बाहां दे विच हुंदे आ, मतलब कि जन्म दे समें सब तो पहली स्टेज अपनी शुरू तो आ गई जदों अपना बर्थ हुंदा। और दूसरी स्टेज उसने एज अ स्कूल बॉय, दूसरी स्टेज उसने दूसरी स्टेज आपां नूं दित्ती है एज अ स्कूल बॉय, मतलब कि जदों आपां स्कूल जाना स्टार्ट करदे आ, ही गोज टू स्कूल अगेंस्ट हिज विशेस, मतलब कि एक स्कूल बॉय दे तौर ते आपां हुंदे आ जिहड़ा कि स्कूल जांदा है अपनी इच्छा दे विरुद्ध, मतलब कि उसनूं स्कूल जाण दे विच कोई इंट्रस्ट नहीं हुंदा इस स्टेज दे विच, दूसरी स्टेज दे विच अपनी इच्छा दे खिलाफ वह स्कूल उसनूं मजबूरी दे विच जाना पैंदा है, हालांकि वह चाहुंदा है कि मैं स्कूल ना जावां सारा दिन खेलदा रहा, यह दूसरी स्टेज होगी याद रखनी है। थर्ड स्टेज उसने कही दी है, ही प्लेज द रोल ऑफ अ लवर, उस तो बाद जिहड़ी अगली स्टेज है एक लवर की स्टेज है, मतलब कि
दूसरी स्टेज आ गई स्कूल बॉय, जो आप स्कूलिंग खत्म करते हैं अगे जाने जिंदगी वधदे हां तां अगली जिहड़ी उम्र आप मन सकते हैं कि 18 साल तो उपर की एज एक लवर की जो आप प्यार पैने राइट पोइट्रीज इन लव उदो आप प्यार पोइट्रीज लिखते हैं मतलब अपने प्रेमी के लिए आप पोइट्रीज ने जिहड़ियां वो लिखते हैं खत लिखते हैं। यह स्टेज होगी थर्ड। फोर्थ स्टेज उसने जिहड़ी है डिवाइड की है ही प्लेज द रोल ऑफ अ डेयरिंग सोल्जर। उस तो अगली स्टेज के स्टेज में आप मन सकते हैं 25 तो 30 साल या 35 साल तक। वह जी स्टेज है अपनी फोर्थ स्टेज है डेयरिंग सोल्जर मतलब कि जो कि बिल्कुल निडर डरदान एक सोल्जर एक सिपाही की तरह होंगे जिथे आप अपने हकों या अपने फैमिली के हकों के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं लड़ सकते हैं उन्होंने प्रोटैक्शन के लिए एक सोल्जर की स्टेज होंगी। वह पंजवीं जी स्टेज है ही प्लेज द रोल ऑफ अ जज। पंजवीं स्टेज के आप एक जज का रोल है जो अदा करते हैं जी। ये स्टेज होंगी आप आफ्टर मैरिज कह सकते हैं जो आप अपनी जिंदगी के फैसले लैने अपनी जिंदगी के फैसले अपने परिवार की जिंदगी के फैसले अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले जोड़े आप सोच समझ के लैने और सियानिया सियानिया गल्ला करते हैं और दूसरों समझाने। ये होगी अपनी फिफ्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज के छेवीं स्टेज उन्होंने की डिवाइड किया इन दिस स्टेज ही लुक्स पीटीएबल एंड ग्रोज बीक। छेवीं जी अपनी स्टेज आँदी आप कह सकते हैं वह बुढ़ापे की स्टेज है जिड़ी कि पीटीएबल तरसयोग तरसयोग इसलिए होंगी है क्योंकि उस स्टेज के आके जिहड़े दुनिया के रंग अपना रंग नज़ारे ने वो अपने लिए नहीं रहिंदे मतलब कि आप इंजॉय नहीं कर सकते जिन्ना आप जवानी के करते हैं आप थोड़े वीक हो जाने फिजिकली आप वीक हो जाने आप दौड़ नहीं सकते भज नहीं सकते उन्ना बोल नहीं सकते। ये स्टेज है छेवीं। और लास्ट सत्तवीं स्टेज है जी उस होंगे ही लूजस एवरीथिंग लाइक मतलब आप सब कुछ अपना खो दें इस लास्ट स्टेज के लाइक टीथ आईसाइट टेस्ट मतलब अपने दंद निकल जाते हैं निगाह कमजोर हो जाती है टेस्ट है जोड़ा वो अपने लिए बिल्कुल नहीं रहा जिस तरह कि आप स्वादले स्वादले खाने खाने जवानी के इस स्टेज के आके अपने लिए कोई स्वाद है जोड़ा वह मैटर नहीं करता। एंड डैथ ब्रिंग्स हिज एग्जिट और जी मौत है वह आती है और इस दुनिया के उसकी एग्जिट है जी हो जाती है मतलब कि आखिरकार आप इस दुनिया को छड़ के चले जाने। सो इस तरह इस पोएम के जैकस ने जी अपनी इंसाना की जिंदगी उसको 7 भागों के वंडिया तुसीं ने यह याद रखने ने पहला एज अ बेबी जदों आपां अपना बर्थ हुंदा है और दूसरी स्टेज स्कूल बॉय जदों आपां स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं हालांकि आपां स्कूल नहीं जाना चाहते। तीसरी स्टेज एक लवर दी जो आप प्रेमी के तौर पर उभर के आने। चौथी स्टेज है रोल ऑफ डेयरिंग सोल्जर एक सोल्जर सिपाही की जी आप भूमिका निभाने। पंजवीं स्टेज के जज की भूमिका आप निभाने फैसले आप लेने पैंदे ने। छेवीं स्टेज के आप एक पीटीएबल लाइफ है जी जिउने मतलब वीक हो जाने बुढ़ापे के वल चल पाने और सत्तवीं स्टेज के अपना सब कुछ जो भी परमात्मा वालों आपू लाइक टीथ आईसाइट टेस्ट यह होंगे ये अपना सब कुछ खो जाता है आखिर के डैथ आती है अपनी इस दुनिया के एग्जिट है जी हो जाती है मतलब कि अपनी मृत्यु हो जाती है। सो ऐसी अपनी पोएम ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज मतलब कि जोड़ा ये संसार है एक स्टेज है एक स्टेज है और आप इंसान इस स्टेज पर आने अपना अपना रोल है जोड़ा वो निभाने कदे सिपाही का कदे एक बच्चे का कदे एक लवर का या फिर कदे एक आप कह सकते हैं कि एक बुढ़ापे की जी अपनी जिंदगी होंगी है उसका और आखिरकार आप इस दुनिया तो चले जाने। सो यह अपनी पोइम ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज। जेकर तो समझ आई है तो वीडियो नू लाइक शेयर ते कमेंट जरूर करो। जेकर पहली बार च वीडियो समझ नहीं आती एक बार दोबारा भी देखा करो तो चंगी तरह तो समझ आना शुरू हो जाएगा। सो इस वीडियो के फिलहाल इन्ना ही मिलते हैं अगली वीडियो लैके उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।